हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रॉबर्ट स्कॉच एंड उनके जो कंट्रीब्यूशंस है इन माइक्रोबायोलॉजी में वो भी हम जानेंगे ठीक है एंड उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए वो जाने जाते थे जाने जाते हैं द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी नाम से ठीक है तो उनके कंट्रीब्यूशंस क्या है वो हम जान लेते हैं तो ये सब उनके कंट्रीब्यूशंस है जो हम एक एक करके जानेंगे तो पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो है जाम थ्योरी ऑफ डिजीज उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे द जाम थ्योरी ऑफ डिजीज को तो ये जाम थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है तो ये जाम थ्यूरी ऑफ डिजीज यही बोलते हैं कि एक जाम और एक पैथोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कजिंग ए स्पेसिफिक डिजीज मतलब एक जाम और एक पैथोजेन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज घटने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है तो यही है जामथ्री ऑफ डिजीज जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाए थे एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कॉच प्रोस्टुलेट ठीक है जिस प्रोस्टुलेट में कुछ क्राइटेरिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया एंड उन्होंने बोला कि एक इफ आ, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक पैथोजेन इस कॉस प्रोस्टुलेट की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एक डिजीज एक स्पेसिफिक डिजीज घटाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो हम अभी हम जान लेते हैं कि किस्प्रोस्टोरेट के क्राइटेरिया क्या थे तो यही चार क्राइटेरिया थे कॉस्प्रोस्टोरेट के तो फर्स्ट क्राइटेरिया थे जो बैक्टीरिया जो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल डिजीज एनिमल सो सभी डिजीज एनिमल के अंदर वो बैक्टीरिया होना चाहिए ठीक है यह है फास्ट क्राइटेरिया सेकेंड क्राइटेरिया है जो डिजीज एनिमल है जो सब जो डिजीज एनिमल है उसके अंदर से वो बैक्टीरिया को हम वो बैक्टीरिया को मस्ट भी आइसोलेट करना चाहिए एंड मस्ट भी ग्रोन इन प्योर कल्चर एंड उनको प्योर कल्चर में ग्रो करना चाहिए तो यह है सेकेंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया है उसके बाद अगर हम इन प्योर कल्चर को एक हेल्दी ससेप्टिबल एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट हेल्दी ससेप्टिबल एनिमल मस्ट शो मस्ट शो द सेम सिम्टम्स सेम सिम्टम्स ऑफ डिजीज्ड एनिमल मतलब डिजीज्ड एनिमल में जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स हेल्दी ससेप्टिबल में भी होना चाहिए अगर हम इस प्योर कल्चर को उनमें इंट्रोड्यूस करें और इनोकुलेट करें तो यह थर्ड क्राइटेरिया एंड फोर्थ क्राइटेरिया है जो हेल्दी हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट में वो जो हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट से हम वो सेम बैक्टीरिया दोबारा रिकवर कर सके अगर हम इस हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट से दोबारा सेम बैक्टीरिया आइसोलेट करके ग्रो कर सकते हैं देन हम बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया यही बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज के पीछे रेस्पॉन्सिबल है तो यही है कॉस्ट्रोस्ट उनके क्राइटेरिया थे जिसके द्वारा उन्होंने थ्री ऑफ डिजीज को प्रूव किए थे ठीक है और नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे दॉजिटिव एजेंट दैट मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेन जो जो कि एंथ्रेक्स डिजीज टीवरकिस डिजीज एंड कॉले डिजीज के पीछे रेस्पॉन्सिबल है उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किए थे तो चलिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डिजीज के बारे में कुछ जान लेते हैं है, है, तो फर्स्ट डिजीज है डिजीज है एंथ्रेक्स डिजीज तो रॉबर्ट स्कॉच ने आइसोलेट किए थे बैसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि इस एंथ्रेक्स डिजीज के पीछे रेस्पॉन्सिबल है एंड इस

दिस एंथ्रेक्स डिजीज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ठीक है द नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज इसमें पहले लोग बिलीव करते थे कि ट्यूबरक्यूलोसिस वॉज एन इनहेरिटेड डिजीज लोग बिलीव करते थे कि ये इनहेरिटेड डिजीज है बट कॉच ने फर्स्ट बोला था कि ए डिजीज जो है ए बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंड ये इन्फेक्टियस है एंड उन्होंने उनके जो फोर क्राइटेरिया और फोर पोस्टुलेट थे वो भी उन्होंने अप्लाई किया था एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर एंड उन्होंने एट लास्ट बोला किलोसिस डिजीज के पीछे माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो ट्यूबरक्यूलोसिस नाम से जो बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल है ठीक है एंड उनके बाद उसके बाद उन्होंने एक उन, इसके बाद उन्होंने एक ड्रग डिस्कवर किए थे जो कि टीबरक्यूलिन टीबरक्यूलिन नाम से जाना जाता था बट ए ड्रग उस तरह से uh, ए फेल किया ए ट्रीट नहीं हो हो पाया तो यही है दो डिजीज तीन डिजीज जिसके पॉजिटिव एजेंट को रॉबर्ट स्कॉच ने आइडेंटिफाई किए थे एंड उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर उन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट किए थे इन प्योर कल्चर में तो प्योर कल्चर क्या है ए प्योर कल्चर मीन्स ए कल्चर जिसके अंदर जिसके एक कल्चर जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं एक स्पेसिफिक स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन कल्चर में ग्रो कर सकते हैं ग्रो करेंगे तो वही है प्योर कल्चर तो उन्होंने आइसोलेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर जो मेथड है वो उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे एंड इसके बाद उन्होंने सॉलिड मीडिया फॉर सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे एट फर्स्ट उन्होंने जिलेटिन लिए थे एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट बट जिलेटिन इज नॉट अ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट बिकॉज जो जिलेटिन होता था वो ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस और ट्वेंटी थर्टी डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में चला जाता था तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ सॉलिडिफाइंग एजेंट एंड वो जो जिलेटिन था वो माइक्रोज के साथ भी रिएक्ट करते थे तो उसके लिए उन्होंने जिलेटिन को रिजेक्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने यूज किया एगार को एगार को उन्होंने सॉलिडिफाइंग एजेंट हिसाब से यूज किया एज अ बेस फॉर कल्चर मीडिया जो आज भी हम एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं ठीक है एंड उनके बाद उन्होंने ऑल्सो डेवलप्ड किया द पोर प्लेट टेक्निक आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय पोर्टलेट टेक्निक डेवलप किए थे तो एक पोर्टलेट टेक्निक क्या है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो पोर्टलेट टेक्निक क्या है जब एगर मतलब न्यूट्रिएंट एगर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं द फर्स्ट प्रोसेस इज द बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम न्यूट्रिएंट एगर टैगर में मिक्स करते हैं जब न्यूट्रिएंट टैगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके बाद हम उनको पोर करते हैं एक पेट्री प्लेट में सैंपल और पोर्ट पोर्ट ऑन द पेट्री प्लेट जिसके वजह से इनको पोर प्लेट मेथड बोला जाता था बोला जाता है एंड उसके बाद हमको हम उनको स्टार करते हैं इन स्टार के बाद स्टार के बाद जो सैंपल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड इक्वली सब न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं तो इसके लिए हम स्टायर करते हैं एंड उनके बाद उनको इंक्यूबेट करते हैं एंड इंक्यूबेशन के बाद हम कॉलोनीज देख सकते हैं तो ये है पोर्ट प्लेट मेथड जो भी जो रॉबर्ट स्कॉच ने डेवलप किए थे ठीक है तो अनदर कंट्रीब्यूशन उनके जो है वो है हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए काम आता था तो रॉबर्ट स्कॉच ने ए भी डिस्कवर किए थे तो कैसे काम करते थे तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा तो यह एक कवर ग्लास है जिसके ऊपर एक बैक्टीरिया ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल सॉल्यूशन डाला जाता था एंड उनके बाद एक स्लाइड स्लिप के ऊपर कवर ग्लास के ऊपर एक स्लाइड रखा जाता था एक जो स्लाइड एक स्लाइड थोड़ा सा कार्व्ड होते थे हम देख सकते हैं स्लाइड थोड़ा सा कार्व्ड स्लाइड है तो वैसे स्लाइड इस कवर ग्लास के ऊपर रखा जाता है एंड उनके बाद टोटल सिस्टम को इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्ट करने के बाद इस स्लाइड को हम कवर ग्लास को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो एज द बैक्टीरियल सोल्यूशन इज हेयर इन हैंगिंग पोजिशन दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक बोलते हैं जिसके द्वारा रॉबर्ट स्कॉच ने माइक्रोगम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किए थे ठीक है तो यही है उनके कंट्रीब्यूशंस टू माइक्रोबायोलॉजी एंड उनके लास्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और एक है वो है स्टेनिंग टेक्निक उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किए थे बाय यूजिंग एनिलिन डाई एनिलिन डाई यूज करके उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक भी दिखाए थे ठीक है तो ये ऑल उनके सब इनके कंट्रीब्यूशंस है टू माइक्रोबायोलॉजी ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो